वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। आई एम डॉक्टर सुमन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस SOH। हम आपको आज पुस्तकालय विज्ञान के MLIS 101 के ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के बारे में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आइए हम इसे देखते हैं। MLIS 101 ग्रंथालय और सूचना विज्ञान। आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका। रोल ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन द मॉडर्न सोसाइटी इज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर सोसाइटीज। ग्रंथालय एवं सूचना समाज में, आधुनिक समाज में ग्रंथालय का सूचना केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना केंद्रों में हम समाज में ग्रंथालय सूचना केंद्रों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखते हैं और बदलते सामाजिक संरचना में सूचना के महत्व और आवश्यकता को और इसकी उपयोगिता को समझ सकेंगे। सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों द्वारा दिए गए सेवाओं की सूचना समाज के विविध संदर्भों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सूचना के महत्व, आवश्यकताओं और आधुनिक समाज में ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका से परिचित कराना है। पुस्तकालय का प्रमुख सूचनात्मक योगदान उपयुक्त विविध से सूचना प्रद सामग्री का संग्रह करना होता है और इसलिए पुस्तकालय को सूचना केंद्र की संज्ञा दी गई है। पुस्तकालय की सूचनात्मक भूमिका इसलिए भी होती है कि लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति पुस्तकालय करता है। भारत में पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी केरल के स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है और इसकी संस्थापना 1829 में हुई थी और राजा स्वाति थिरुनल के शासनकाल में हुई थी। त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी को केरल की लाइब्रेरी भी कहते हैं और राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित की गई थी और इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का भी दर्जा प्राप्त है। आज का समय लोकतांत्रिक युग समता मूलक समाज की वकालत करता है जिससे प्रत्येक मानव को अपने विकास एवं शिक्षा के लिए बिना किसी योगदान के समाज में समान अवसर प्रदान होने चाहिए। कई तरह से सूचनाओं को उपयोग मानवीय विकास के लिए किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के भी होना चाहिए और पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों एवं सूचनाओं का संग्रहण, व्यवस्थापन, प्रसारण बिना किसी भेदभाव के समस्त उपयोगकर्ताओं को भी किया जाना चाहिए। पुस्तकालय की समाज में भूमिकाओं को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे शिक्षा में, एजुकेशन में हम समाज के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक गुणों के योग को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं और शिक्षा संपूर्ण सामाजिक संदर्भ में क्रियात्मक होती है। औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समाज में शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। शिक्षा छात्रों को विभिन्न स्तर की औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थाओं में पुस्तकालय की स्थापना की जाती है और सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जिसे शिक्षक संस्थाओं के बाहर रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान, सूचना और विद्वता का प्रसारण करना होता है और सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक मूल्यों का निर्माण एवं विकास करना तथा तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। परिचय। ज्ञान और संस्कृति के प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय समाज में मौलिक भूमिकाएं निभाते हैं और संसाधन और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। वे सीखने का अवसर पैदा करते हैं, साक्षरता
दर बढ़ाते हैं और शिक्षा का समर्थन भी करते हैं और नए विचारों और दृष्टिकोणों को आकार में देने के लिए मदद करते हैं जो एक रचनात्मक और अभिनव के लिए केंद्र हैं। पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन है, समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई भी है। यह एक सामाजिक संगठन से समाज के ज्ञान अनुभवों को व्यक्तियों में प्रसारित करते हैं। इनका प्रसारण पुस्तकें और अन्य पाठ सामग्रियां जैसे मानचित्र, चार्ट, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और लघु पुस्तकें भी हैं, मुद्रण अभिलेखों, टेपों तथा माइक्रोफिल्म्स के द्वारा इन्हें किया जाता है। वेब आधारित सूचना, सूचना के स्रोतों में इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के बढ़ते हुए उपयोग के कारण ये आधुनिक सूचना समाज में पुस्तकालय का उपयोग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इंटरनेट का बहुतायत उपयोग हो रहा है। पुस्तकालय के कार्य विभिन्न हैं, जो पुस्तकालय में रखे गए संग्रहों का देखभाल, पुस्तकें उपलब्ध कराना पाठकों को एवं इसकी व्यवस्था देखना। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करना, रखरखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों के नियमित पाठक के रूप में बदलते का कार्य करना। किसी ग्रंथालय प्रणाली का प्रथम उद्देश्य होता है सूचना स्रोतों का संग्रह करना, कलेक्शन करना, व्यवस्थापन, पुनर्प्राप्ति, सूचना उपयोगकर्ता तथा उपलब्ध कराना, कर प्रणाली और कई प्रणाली के रूप में संग्रहालय किसी वृहद प्रणाली शिक्षा शोध समाज सेवा के क्षेत्र में संगठनों की स्थापना करना एवं उप प्रणाली का रूप भी है। पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की पूर्ण व्यवस्था करना और पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की सुविधाएं दिलवाना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के कार्य के साथ समन्वय स्थापित करना, इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी रखना। पुस्तकालय की आवश्यकता एवं महत्व। पुस्तकालय लोगों को पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के लिए आकर्षित करते हैं। यह पढ़ने की उनकी प्यास को बढ़ाता है और ज्ञान का विस्तार करता है। विभिन्न विषयों पर किसी भी प्रकार के शोध के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता इस प्रकार है। पुस्तकालय अनुसंधान, लाइब्रेरी रिसर्च, सूचना, इन्फॉर्मेशन, ज्ञान और पढ़ने की खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय को प्रमुख सूचनात्मक योगदान उपयुक्त विधियों में सूचनाप्रद सामग्री का संग्रह करना होता है। पुस्तकालय को सूचना केंद्र की संज्ञा भी दी जाती है। पुस्तकालय की सूचनात्मक भूमिका इसलिए भी होती है कि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति पुस्तकालय करता है। आधुनिक पुस्तकालय की विशेषता। आधुनिक पुस्तकालय पे हम विशेष फोकस करेंगे। आधुनिक पुस्तकालय को अद्यतन रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी का, ICT का बहुत ही अच्छा उपयोग कर रहे हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से पुस्तकालय को व्यवस्थापन करना तथा संचालन हेतु कुशल कर्मचारियों को तैयार करना। पुस्तकालय विज्ञान तकनीकी विषयों की श्रेणी में आता है। यह एक सेवा संबंधी व्यवसाय है। आधुनिक पुस्तकालय कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल कैटलॉग सहित एन तकनीकी से सुसज्जित होते हैं और हम पुस्तकालय के घटक के बारे में बताएंगे आपको। एक पुस्तकालय में तब मौजूद होता है जब वह उसकी त्रिमूर्ति के तीन घटक होते हैं, जैसे कि पाठक, किताबें और कर्मचारी, एक दूसरे के साथ उद्देश्यपूर्ण संपर्क में होते हुए, फैसिलेट होते हुए और पुस्तकालय कर्मचारियों के ब्रह्मांड में विभिन्न पुस्तकालय सेवाओं, तकनीकी सेवाओं, उपयोगकर्ता सेवाओं और अन्य के प्रदाता होते हैं। पुस्तकालय सुविधाएं एवं साधन, लाइब्रेरी फैसिलिट एबिलिटीज। पुस्तकालय में संदर्भ सेवा की पूर्ण व्यवस्था करना और पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदान करना, आदान प्रदान भी करना, सुविधा दिलवाना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, संदर्भ सेवा का मुख्य कार्य पाठकों को उपलब्ध कराना, सूचना प्रदान करना, सारकरण सेवाएँ, संदर्भ सामग्री का संग्रहण करना, व्यवस्थापन करना, संरक्षण करना, ई जनरल सहभागिता। अतः पुस्तकालय ऋण, मानव संसाधन और पूंजीगत संसाधन, विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदान करना जैसे संक्षिप्त तथ्य, आंकड़े और तकनीकी निर्देश, पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना, त्वरित विशिष्ट
तथा जानकारी करना, समाचार पत्र के कतरन क्लिपिंग को इकट्ठा करना, संदर्भ सेवाओं एवं स्रोतों जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूची, पंचांग, निर्देशिका, एटलस और हैंडबुक को उपयोग करना, रिप्रोग्राफी सेवाएं, फोटोग्राफी सेवाएं और आईसीटी सेवाएं, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, संदर्भ सेवा के अंतर्गत आती हैं, परिसंचरण सेवा, संस्थागत सेवा, संस्थागत भंडारण, उपयोगकर्ता और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ओपैक, रिमोट एक्सेस सेवा, सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या हैं। सूचना केंद्र से आशा है सूचना के उन केंद्रों से जिनमें सूचना को किसी विशेष रूप में संग्रहित करते हैं तथा प्रसंस्करण करने के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप उनको देते हैं और चयनात्मक रूप से उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं और प्रसार के लिए जानकारी पुनर्प्राप्ति के लिए करने के लिए बनाया गया है। सूचना केंद्रों द्वारा समाज में सूचना पहुंचाने का कार्य किया जाता है। सूचना सेवाएं, रेफरल सेवा, साहित्य खोज, अनुवाद, ग्रंथ सूची, सारकरण, संक्षेपण आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। ग्रंथालय द्वारा की जाने वाली सेवाओं को संदर्भ एवं सूचना सेवा कहा जाता है। संदर्भ सेवा पाठन को प्रत्येक रूप से निजी सहायता भी देती है, जैसे कि ग्रंथालयों में इसका उपकरणों के प्रयोग करना, पाठकों की सहायता करना, पुस्तक खोजने में सहायता करना, तत्काल संदर्भ सेवा, साहित्य खोज, ग्रंथ सूची निर्माण करना, अनुसंधान में सहायक, पुस्तकालय कैटलाग का उपयोग करना, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग, बुनियादी संदर्भ सेवाओं का उपयोग करना। आधुनिक समाज की आवश्यकताएं, हमारे आधुनिक समाज की विभिन्न आवश्यकताएं हैं। हम आधुनिक समाज में जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त हम प्रगति हेतु भी अनेक आवश्यकताएं महसूस करते हैं, जो निम्न है। एजुकेशन करना, शिक्षा देना, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास, आध्यात्मिक एवं वैचारिक उन्नयन, सूचना संबंधी आवश्यकताएँ, समाज द्वारा स्थापित संस्थागत संगीत अकादमी, मनोरंजन केंद्र, धार्मिक संस्थाएं, खेलकूद संगठन, ग्रंथालय, सूचना, दूरदर्शन केंद्र और सिनेमा है, विद्यालय है, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक संगठन आदि। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों की भूमिका, रोल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, शिक्षा, एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, कई विभिन्न इसके पार्ट्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, रिसर्च डेवलपमेंट, शोध एवं विकास, कल्चरल रिपोजिटरी, हेरिटेज, सांस्कृतिक संरक्षण और विरासत, कल्चरल रिपोजिटरी, हेरिटेज, सूचना संप्रेषण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आध्यात्मिक एवं वैचारिक विकास हमारा कैसे हो सकता है और उसके माध्यम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सूचना संबंधी साहित्य, प्रेरणात्मक साहित्य, कोई भी जो है जैसे हमें सूचना पाना है तो उसका लिटरेचर हम सर्च करते हैं, प्रेरणादायक साहित्य, कोई भी साहित्य हमें प्रेरणा देता है, जैसे गांधी जी के कई वचन हैं, विवेकानंद के कई वचन हैं, ऐसे हम सूचना को सर्च करते हैं। समाज का सदुपयोग और समय का भी सदुपयोग करते हैं, जब भी हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो उसके लिए भी शॉर्टकट के लिए हम कुछ न कुछ जो है सर्च करते हैं। कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, यात्रा कथा, यात्रा वृतांत भी हो सकता है, कई लोग अपनी यात्राओं का वर्णन करते हैं, वो भी एक साहित्य में जुड़ जाता है और मेमोरी बन जाता है। पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स भी हम पढ़ते हैं। मनोरंजन साहित्य, मनोरंजनात्मक साहित्य अनेक प्रकार से हो सकते हैं, जैसे फिल्म, सिनेमा वगैरह आप देखते हैं, यूट्यूब पे कई शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। बौद्धिक मनोरंजन, हम कई बार अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बौद्धिक गेम्स हैं, कई सुडोको वगैरह को यूज करते हैं, पेपर में हम देखते हैं, उसको भी हम खेल के रूप में लेते हैं। और सार्वजनिक ग्रंथालय, पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम कई संस्कृति समाज से जुड़ते हैं और वहाँ से भी हम कई चीज़ों को अपनी ज्ञान अर्जन में उपयोग करते हैं। कला संगोष्ठी, संगीत संध्या, कवि सम्मेलन, नाटक, ग्रंथ, ललित कला प्रदर्शनी, स्वास्थ्य कार्यक्रम, रक्तचाप, मधुमेह और जांच दृष्टि परीक्षण वगैरह करवा सकते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र तथा परिवर्तित समाज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड चेंज सोसाइटी,
इस समय हमारे समाज में ग्रंथालय का पूर्व स्वरूप ही नहीं रहा है, उसमें कई स्वरूप परिवर्तित भी हुए हैं। वर्तमान परिवर्तित समाज में विभिन्न संस्थाएं, संघ, संगठन और व्यक्ति एक संयुक्त संदेश वाहन के साधनों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। नवीनतम सूचनाएं और ज्ञान को राष्ट्रीय संपदा के विकास का प्रमुख अंग मानते हुए कृषि विकास, तकनीकी आदि क्षेत्रों में सूचना केंद्रों की स्थापना की जाती है, वहीं ग्रंथालय के स्वरूप में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के कारक तत्व हैं, फैक्टर्स ऑफ चेंज। आधुनिक समाज में जीवन के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन आया है, उसके कारक तत्व निम्न हैं: सामाजिक, जनसंख्या का दबाव, नगरीकरण, ग्रामीण विकास, विकास समूह, गत्यात्मक, आर्थिक समाज की व्यवसायिक संरचना, आय मूल, मुद्रास्फीति और राजनीति में राजनैतिक परिवर्तन से प्रभावित होकर राजनैतिक ढांचा, शैक्षणिक, तकनीकी, अध्ययन अध्यापन, अनुसंधान विकास, प्रौद्योगिकी, समानांतरण और सीमांतरण, उपयोगी सूचना का प्रसारण करना, उद्योग एवं व्यापार, उत्पादन वितरण में परिवर्तन, व्यवसाय एवं वाणिज्य, आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रसारण, नियोजन में परिवर्तन, नीति निर्धारण, नीति पालन, सांस्कृति क्षेत्र में ललित कलाएं, संगीत कलाएं, सिनेमा, दूरदर्शन प्रसारण आदि परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों में तीव्र गति से विकास हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है। मुद्रित अध्यापन सामग्री के अंतर्गत ग्रंथालयों और पत्र पत्रिकाओं का संग्रहण किया जाता है तथा वर्तमान में सामाजिक प्रकाशन, सम्मेलन, कार्यवाहियों, शोध प्रबंध मानक, तकनीकी रिपोर्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री, माइक्रोफॉर्म्स, मशीन रीडेबल फॉर्म, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, पेन ड्राइव, टैब, लैपटॉप आदि स्वरूपों में सूचना का संग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सूचना सामग्री का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है और प्रयोक्ताओं की आवश्यकता में भी परिवर्तन आ गया है। औद्योगिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के फलस्वरूप आज प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रलेखन सेवा, अनुक्रमणीकरण सेवा, सारकरण सेवा, अनुवाद एवं रिपोग्राफी सेवाओं का साथ साथ प्रयोग किया जा रहा है। सेवाओं भी दी जा रही हैं। नेटवर्क का उपयोग करना, सूचना के विनियम और संसाधन सहभागिता के लिए उपयोग किया जा रहा है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र अपने आधुनिक परिवर्तित स्वरूप में भी आधुनिक सूचना सेवाओं को व्यवस्थापित करके उपयोगकर्ताओं को उनके मांग के आवश्यकता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। ये समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करते हैं तथा विविध प्रकार की उपयुक्त सूचनाओं उपलब्ध कराते हैं और जागरूक करते हैं। साथ ही इनके विभिन्न शोधपरक क्रियाकलापों में सहयोग करते हैं। जिस प्रकार समाज में ग्रंथालय को सूचना केंद्र हर प्रकार से संपन्न होंगे, वह समाज और राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने में सक्षम सिद्ध होंगे। धन्यवाद।